बहुत दिनों बाद आए ना, बहुत अरसे बाद आए, आज तक आना ही भूल गए थे, बहुत टाइम बाद आए। हाँ मैंने जैम और एक दो चीज़ें लेनी है, कल कुछ बनाना है मैंने उसके लिए। लेट्स गो। इरादा तो यही होता है एक दो चीज़ें लेंगे, बट वो इरादा ही क्या है, वो पूरा वो ही हो चेंज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। कल का व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया था, ये वही रात है और हम लोग खाना खा के जा रहे थे वापस, तो उस्मान ने कहा कि मैंने पेट्रोल डलवाना है, फ़िल कराना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलें मुझे भी आज यहाँ पे ले आएँ। बहुत अरसे से मैं आई नहीं थी और मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये लिया है क्योंकि ना कभी भी मैं राइस बॉयल करती हूँ मैं बहुत तंग होती हूँ, इतना मैं तंग होती हूँ ना कि मेरे पास बड़ा कुछ इस तरह से था नहीं और आधे गिर जाते थे, कभी हाथ पे स्टीम आती थी, तो इसलिए ये मैंने ले लिया और सस्ता भी मिल गया मुझे। एप्रिकॉट जैम लिया है क्योंकि मैंने एक चीज़ बनानी थी तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया। और उसके साथ मैंने स्विचेस लिए हैं जो कि ये अभी आप देख सकते हैं कार्ट में मेरे ट्रॉली में, क्योंकि ना मैं बहुत तंग होती हूँ, मेरे गैजेट्स भी हैं, मेरे मोबाइल्स भी हैं, लैपटॉप भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक है तो वो उस्मान यूज़ करते हैं रूम में, तो एक रूम में मुझे अपनी बेड साइड टेबल के साथ चाहिए था। और ये मैं कब से उस्मान को कह रही थी कि मैं मुझे लेना है, लेकिन ये है कि मुझे कोई इस तरह का मिल जाए, बहुत बड़ा भी ना हो और मैं जो है वो आराम से रख लूँ और यूज़ कर लूँ, तो बस मैंने तो लेनी थी ये दो तीन चीज़ें। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये उस्मान अपनी ले रहे हैं, काफ़ी टाइम के बाद आए। और हाँ एक चीज़ हमने यहाँ से ली और वो हैं जी लैला के ये ब्लैक वाले राइस जो कि मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ पे ऑफ़र में लगे हुए थे तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी लेकिन यह है कि हम ऑलरेडी अभी लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन से, तो वो हमने नहीं ली। तो ये थी बस कुछ चीज़ें जो कि मैंने बहुत ही काम की ले ली। और राइस तो हमारे घर खैर बनते रहते हैं, हर घर में बनते हैं, हमारे घर भी बनते हैं, और जब आपको आपकी पसंद की चीज़ अच्छी मिल जाए तो रमज़ान की काफ़ी ऑफ़र्स यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई हैं, कब से स्टार्ट हुई हैं अब तो मेरे ख्याल में महीना और है, लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली नहीं क्योंकि आपको पता है मैं घर में रखूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन यह है कि राइस तो मैं बनते रहते हैं, मैंने कहा चलो बाद में आएंगे अगर ऑफ़र्स हुई तो ले लेंगे, नहीं तो वैसे भी लेनी तो हैं तो बाकी चीज़ें बाद में ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी स्ट्रॉबेरी गार्डन से काफ़ी सारा सामान ले कर घर जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर कभी बाद में आएँगे ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, और बस हमारा बाकी यह है कि यही काम थे हमारे आज, काफ़ी सारे काम हो गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जो भी चीज़ें ख़त्म थी घर में, जो भी चीज़ें लेनी थी, काफ़ी सारी नई चीज़ें ली हैं ट्राई करने के लिए, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो ये टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई है। और पूरा वीक वेट करती हूँ, या उस्मान का ऑफ होता है तो वेट कर रही होती हूँ, गाड़ी के बगैर तो नहीं जा सकती इतना सामान उठा के मैं लेकर आऊँ, थोड़ा बहुत तो खैर चलो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं जा सकती, तो बड़ी खुश थी कि चलो सारे काम आज हो गए हैं, सब कुछ लेके अब हम घर जा रहे हैं। अभी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, नाश्ता हमने कर लिया था और अब जो मैं चीज़ें लेकर आई थी बाकी तो मैंने सब कुछ समेट लिया था, मैं लेकर आई थी बहुत सारे मसाले, आटा, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो वो सारे तो मैंने रात को ही समेट लिए थे, रख लिए थे मैंने स्टोरेज में जहाँ पे मेरी चीज़ें रखी हुई होती हैं सारी, लेकिन ये जो है ना कुछ चीज़ें अभी मैं फ्रिज में रखूँगी और इनको मैं समेटती हूँ। अच्छा ये मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने स्पेशली जो सोच के लिया ना वो लिया मैंने बिरयानी के लिए, क्योंकि ना बहुत दिनों से मैंने बनाई नहीं थी और लास्ट एक दो बार बनाई भी थी तो बहुत ज़्यादा मैं तंग हो रही थी। आप ये देखें इस तरह से ना ये काफ़ी बड़ा है और मुझे ये अच्छा मिल गया, रिजनेबल मिल गया, पहले सोच रही थी अमेज़ॉन से कोई ऑफ़र से मंगवा लूँ लेकिन मुझे पता था मैंने लास्ट एक दो बार गई थी तो देखा था तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा था लेकिन तब मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो गुजारा हो रहा है ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा नहीं अब टाइम आ गया है कि ले लेना चाहिए। अच्छा यहाँ पर मैं धनिया जो है ना ये वॉश कर रही हूँ, पिछले मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी जो मैं लेकर आई थी शेयर किया था मैंने आपसे, तो इस तरह से मैं वॉश कर लेती हूँ, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इसकी जो लास्ट वाली डंडियाँ होती हैं वो काट के फिर मैं आधा फ्रीज़ कर देती हूँ, आधा मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद,
और लास्ट टाइम भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि आपने वॉश नहीं किया था, रख दिया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं दिखाऊं कि वॉश करके मैं रखती हूँ। लेकिन ये है कि ये वाला सारा ना मैं आज फ्रिज में रखूँगी, और साथ साथ मैंने बैग्स निकाल लिए हैं जो कि मैं लेकर आई थी होम बार्गेन से, ये बहुत काम के हैं। तो मैं वेजिटेबल्स सारी इसमें स्टोर करके रख रही हूँ क्योंकि एक साथ बनेंगी नहीं, और ये पानी भी रिलीज़ करती हैं, तो कुछ टिश्यू पेपर में इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ ताकि मेरे ज़्यादा दिन जो है ना वो आराम से गुजर जाएं, और मैं जो हूँ ना वो दोबारा तो इतने जल्दी नहीं जा सकती, तो ये चीज़ें मैं फिर सब्ज़ियाँ ये मैं आराम से फिर बनाती रहूँगी। एक एक करके मैं इस तरह से बैग में डाल रही हूँ और बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। एक्चुअली मेरा जो फ्रिज है ना वो ऑलरेडी छोटा तो है, लेकिन जब मैं आई थी ना तो वो अंदर से उसके जो शेल्फ है ना, एक तो बिल्कुल ही टूटा हुआ था, दूसरा भी इस तरह का है, तो अब हम फ्रिज तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला कुछ स्टोरेज की चीज़ें लेकर आऊँगी, और कुछ मैं इस तरह से फिर कोशिश करती हूँ कि इसको मैं मैनेज करके रख लूँ। थोड़ी जगह है लेकिन यह है कि चीज़ें फिर मैनेज होके आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम फ्रिज में फ्रीज़र में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लाइफ वैसे भी यहाँ पे बहुत बिज़ी होती है, बहुत बिज़ी होती है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर भी कोई जाके काम करे, तो लाइफ बिज़ी रहती है। और ये हरा प्याज है, इसको भी मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में डाल के और रख रही हूँ, और ये भी मैं रख लूँगी। एक्चुअली ये मैं वैसे तो स्टोर करूँगी, लेकिन अभी ना मेरे और भी थोड़े से काम थे तो मैंने कहा चलो मैं इनको तो फ़िलहाल ज़रा इस तरह से रख लूँ, फिर बाकी बाद में देखूँगी। इस बार मिंट बहुत अच्छा रखा हुआ था तो मैंने ले लिया। पाकिस्तान में मैं घर में ड्राई करती थी, लेकिन यहाँ पे ड्राई मिल जाता है, तो वो मैं एक दो बार लेकर आई थी, तो अभी वो स्टिल जो है ना वो चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वैसे ही ले जाती हूँ। अम्मी कह रही थी कि पुदीने की चाय जो है ना वो बना के पिया करो, कावा जो होता है, या ग्रीन टी में डाल लिया करो, बड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक ले ही लेती हूँ। और ये देखें जी, धनिया ये मैंने उस साइड पे रखा हुआ है, अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा, तो इसको फिर मैं रख लूँगी संभाल के। और मुझे इतना मतलब मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना इसको देख देख के कि बस अब तो मैं एक दो दिन में बिरयानी ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊँ कि गाजरें मेरे पास रखी हुई थी, और ये मैंने एक्चुअली सब्ज़ी वाला खाना सारा क्लीन किया है ना, उसको मैं सारा देख रही थी क्या क्या रखा हुआ। और यहाँ पे कपड़े जो है ना वो भी साथ साथ वॉश हो रहे हैं, तो सारे काम जो है ना जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ सारे काम जो है वो करती रहूँ। जो ड्राई हो गए उनको मैंने इस रैक से उतार के नीचे रखा है, अभी इनको तय करूँगी मैं जब टाइम मिलेगा, अभी फ़िलहाल मैं किचन के काम जो है वो समेट रही हूँ। अच्छा, गाजरें जो है ना इनका मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास ये रखी हुई थी, और ये मैंने ली थी कुछ बनाने के लिए, तो बस ये फिर बच गई थी। वैसे तो ये वाली गाजरें ना इतनी ज़्यादा ऐसे खाने को दिल नहीं चाहता, कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनमें वो बात ही नहीं लगती है जो पाकिस्तान में गाजरें होती थी, तो इसलिए ना फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोई ना कोई मीठा बना लेती हूँ, इसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, वो खाया जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ एक डिफरेंट सी खीर, और डिफरेंस उसमें क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। चॉपर मैंने अपना निकाल लिया, और चॉपर में मैं इस तरह से थोड़ी सी है, मैंने आई थिंक ये आधा किलो वाला पैक लिया था, और इसमें मैंने कुछ यूज़ कर ली थी, कुछ जो है ना वो ये रखी हुई थी। तो फिर ये होता है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा दिन यूज़ ना करें तो जो एक जूसी मतलब इसमें जूस रहता है, जो एक वाटर इनटेक होता है ना, वो कम होता जाता है, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि चलो फ्रेश ही इनको यूज़ कर लूँ। अब यहाँ पे यही वाली गाजरें मिलती हैं, तो इसी को ही जो है ना वो जैसे तैसे करके यूज़ कर लिया जाता है। और ये मैं ढक के रख रही हूँ क्योंकि कुकिंग करने से ना इस पे बड़े छींटे या पार्टिकल्स आते हैं, तो ये मैंने रख दिया है। साथ साथ शाम की चाय भी बन रही है, और यहाँ पे अच्छा मैं अब आपको बता रही थी कि मैं खीर बना रही हूँ। मैं कल लेकर आई थी खोपरा, कोकोनट जो होता है ना वो मैं लेकर आई थी, और मेरा आज चावल डालने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चावल वाली बनाई थी, तो अब मैं चाह रही थी थोड़ा सा कुछ चेंज बनाऊँ। तो यहाँ पे गाजरें जो हैं वो कद्दूकश करके ग्रेट करके मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा पानी डाला ताकि गल जाएँ, और ये हम लेकर आए थे कल स्ट्रॉबेरी गार्डन से,
ये बहुत मज़े के होते हैं, उस्मान को भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, उनको तो खैर स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बिल्कुल जो टिपिकली बेकरी वाले होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे हैं। गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, तो अब मैं इस तरह से चम्मच से इसको थोड़ा सा मैश टाइप का कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला, लेकिन ये वाली जो गाजर होती है ना, तो इसमें पानी इतना ज़्यादा होता नहीं है। होता है, ये नहीं कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको सॉफ्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5-2 लीटर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो एक बॉटल जो है वो पहले की ओपन थी और एक मैंने अभी ओपन की थी, तो बस इसको मैंने आराम से पकने के लिए रख दिया था। ये हल्की आंच पे अभी पकती रहेगी। और इसमें मैंने बस एक चीज़ ज़रा सी चेंज ये की थी कि इसमें मैंने राइस की जगह खोपरा डाला था। इलायची डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और बस इतनी देर में फिर मैं अपने बाकी काम समेट रही थी, कपड़े वॉश करने थे वो मैं कर रही थी। तो इस तरह घर के छोटे छोटे काम जो है ना, वो लगे ही रहते हैं सारा दिन। मतलब सारा दिन इंसान जो है ना, वो देखने में लगेगा कि क्या काम होता है, लेकिन इतने काम होते हैं समझ ही नहीं आती कब सुबह से शाम हो जाती है, रात होती है, बस काम 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 ही चलते रहते हैं। तो बस ये पकती रही, फिर मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके देखा, और आज इसमें चावल नहीं थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरी है, गिरी नहीं है बल्कि। और ये देखें जी, ये है कोकोनट, तो ये बहुत सारी चीज़ों में डलता है, बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ भी इससे बनती हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑयल भी रिलीज़ करता है और बहुत ज़्यादा ये फूल भी जाता है। तो मैं देख रही थी, पहले मैंने थोड़ा सा डाला, फिर मैं देख रही थी, फिर मैं सोच रही थी कि नहीं थोड़ा सा और डालते हैं, लालच हो गई मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और जो है ना वो डाल लिया। लेकिन ये कि डिफरेंट बनी थी। अगर आपको कोकोनट खीर अच्छी लगती है तो फिर ये भी आपको अच्छा लगेगा, ये खीर भी आपको अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ ये है कि चावल वाली खीर से थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। और इसको मैंने अच्छी तरह से फिर पकाया था, और मैं मेरे ख्याल में इस वीडियो में वो क्लिप ऐड करना ही भूल गई थी, क्योंकि ये बना के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो ठंडा जब ये होता है ना तो काफ़ी थिक हो जाता है। तो चीनी मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ, थोड़ा सा उसके बाद पकाती हूँ। लेकिन इसको मैंने जितना दूध था आधे से भी कम रह गया था, आधे से भी आधा रह गया था, अच्छा खासा गाढ़ा मैंने इसको थिक कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में बाउल में डाल के फ्रिज में रखा था। तो साथ साथ ये भी बन रहा है, और अब मैं कर रही हूँ साथ रात के खाने की तैयारी। आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ कीमा, मटन का कीमा है ये, और गोश्त भी मैं स्ट्रॉबेरी गार्डन से लेकर आई थी, मटन लेकर आई थी, कीमा उसका, चिकन का कीमा, विंग्स थे, बोनलेस था, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो वो मैंने अभी सारे समेट के उनको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में, वॉश किया, पैकेट्स बनाए और कुछ ऐसे ही रख दिया। तो वो मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम किया था कि मैं किस तरह से रखती हूँ, किस तरह से करती हूँ, तो आज मैंने शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे जो है बस कीमा को मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये मटन का लैम्ब का कीमा है, और ये बहुत जल्दी गल जाता है। और आज ना मैं उस्मान की पसंद से बना रही हूँ, उनको ज़रा अच्छा लगता है बिल्कुल भुना हुआ, और अच्छी तरह से जो भुना हुआ होता है ना मज़े का, तो मैं बिल्कुल वैसे बना रही हूँ। आप देखिएगा, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरा अपना भी दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन से कीमा आलू बनाया नहीं था। कीमा आलू मटर बहुत अच्छे लगते हैं, चने की दाल में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं इसमें आलू डालूंगी और मटर डालूंगी। आलू मटर हम दोनों को वैसे अच्छे बहुत लगते हैं, इसलिए ज़्यादातर खानों में हम लोग ऐड कर देते हैं, वो एक एडिशनल जो टेस्ट आता है, टच आता है ना, वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, और मैं कुटी हुई दरदरी जो मिर्चें होती हैं ना, लाल मिर्च, वो डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि कलर भी ख़राब नहीं होता खाने का, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस जी, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के प्रेशर दे दूँगी। और आप बताइए, आज आपने क्या बनाया है, आपके घर में, आपके किचन में क्या बना है, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चीज़ें तो वही होती हैं, वही हम बनाते हैं, लेकिन रोज़ की जो टेंशन होती है ना, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, अगर वो हमारी हल हो जाए ना, तो कुकिंग में कोई टाइम नहीं लगता। मतलब यही सोचने में ही हमें घंटों गुजर जाते हैं, आज क्या बनाया जाए। और अगर आप मील मतलब प्लान कर लेना, तब भी ये होता है कि कभी दिल नहीं है, कभी क्या है, कभी क्या है, तो वो चीज़ें कभी कभी तो काम आ जाती हैं, लेकिन दिल के दिमाग के हाथों हम लड़ाई कर रहे होते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि सोच रहे होते हैं कि आज क्या बनाएं। लेकिन ये है कि चलें, एट द एंड एंड पे मतलब कुछ ना कुछ माइंड में आ ही जाता है। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से इसको भूना, अच्छी तरह से भूना, क्योंकि
उस्मान जो है ना वो मुझे कह रहे थे लास्ट टाइम भी, कभी थोड़ा सा हम जैसे ढीला ढीला सालन होता है वो भी बना लेते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे इस तरह से खाना है, तो मैंने उनकी पसंद से बनाया। रोटी जी बन गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी बहुत ही हसीन, और ये जो है ना हम अच्छा सा कोई सीज़न या मूवी देखते हुए रूम में खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम टीवी पे देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इन्जॉय करते हैं हम। और ये देखें जी, इसमें मैंने डाल दिया धनिया और उसके साथ मैंने डाल दिया गरम मसाला, तो गर्मा गर्म सा सर्दियों का खाना डिनर रेडी हो गया है। जब भी किचन में खाना बनाती हूँ ना, अम्मी को इतना मिस करती हूँ, इतनी याद आती हैं मुझे, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम उनके साथ इस तरह से गुजरा है कि जब मैं छोटी होती थी स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो रात के टाइम हमारे घर इस तरह से गरम गरम खाना बनता था और मैं अम्मी के साथ बैठती थी, दिन भर की बातें करती थी और गरम गरम अम्मी रोटी बना के देती थी। तो वो फीलिंग्स ना, वो मुझे डेली वो फीलिंग्स बहुत फील करती हूँ मैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत वो टाइम याद आता है। और जब भी मैं अब स्पेशली मतलब खाना बना रही होती हूँ ना रात का खाना, तो मुझे वही टाइम ना मेरे मतलब दिमाग में आ रहा होता है और आँखों के सामने घूम रहा होता है। खैर, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। ज़िंदगी है जी, ज़िंदगी का काम चलना है, आगे बढ़ना है, रियलिटीज़ हैं ये, एक्सेप्ट करते हैं हम इसको। तो चलें जी, हम लोग डिनर अपना करते हैं। और ये देखें, ये मैंने सोचा मैं आपको अपनी प्लेट भी दिखा दूँ कि कीमा कैसे बना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।